नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे मास्टर सेलेशन में। भाई महेश सेलेस, और आज इस वीडियो में मैं दोस्तों आज आपको एक फाइट करने का तरीका बताऊंगा कि आपने अक्सर देखा होगा कि कई फाइटर होते हैं एक ही स्टेप में पीछे हटते हैं, एक ही स्टेप में आगे हट कर बहुत तेज़ी से मारते हैं। दोस्तों सेकंड के चौथे हिस्से में ये स्टेप हो जाता है, इतना फास्ट ये स्टेप होता है, अगले समझ में भी नहीं आता कब ये छूटा अपनी जगह से, कब मार करके बैक चला गया। तो आज मैं इसी को आपके लिए बताने वाला हूँ। अगर आप एक फाइटर हैं तो बेसिक आप इसकी प्रैक्टिस करते होंगे और आपको पता होगा इसके बारे में। अगर आप एक फाइटर नहीं हैं तो कैसे इस चीज़ को करना है वो मैं आज आपको बताता हूँ। इसके शुरुआती स्टेप्स क्या होते हैं, इसे कैसे यूज़ करना है किसी के लिए, जैसे मुझे इस बंदे को मारना है और मैं इससे काफ़ी दूर खड़ा हूँ तो कौन सा ऐसा स्टेप होगा कि मैं एक झटके में इसके पास पहुँचूँ और तड़ाक से मार करके अपनी जगह पर वापस चला जाऊँ। तो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आपकी रोड फाइट अक्सर हुआ करती है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ ये स्टेप करते कैसे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों मैं बताता हूँ दूर से पास आने के लिए, इस तरीके से, इस तरीके से। दोस्तों इसमें गौर करने वाली बात यह है कि मैं स्टेप कौन सा ले रहा हूँ, मेरे पैर इधर देखिएगा, मैं स्टेप कौन सा ले रहा हूँ। यूँ खड़े हैं दोस्तों, यहाँ से वन, फिर से देखिए दोस्तों इतनी पास, जैसे इससे मेरी झिकझिक हो रही है, ये बंदा है इससे मेरी झिकझिक हुई और इतने पास खड़ा। अगर मैं यहाँ से किक मारता हूँ पैर तो मेरा बाहर जाएगा। अगर मैं दोस्तों यहाँ से इस बंदे को किक मारता हूँ, मैं पंच तो यहाँ से मार सकता हूँ, मैं इनकेस मुझे किक ही मारना है तब मैं क्या करूँगा, मैं किक मारूंगा तो पैर बाहर जाएगा। इसके लिए मुझे हुजून स्टेप लेना है। पहला इस तरह खड़े दोस्तों, यहाँ से ये, फिर से देखिए दोस्तों इस पैर को हल्का सा उठाना है इस तरीके से और इससे इससे प्रेस करना है, इस वाले पैर से अपने बॉडी को पीछे फेंकना है और देन किक। एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों, जो खड़े हैं इस तरीके से और यहाँ से वन, इस पैर से जोर देना है, इस पैर को हल्का से उठाना है और पीछे इस तरीके से आना है और यहाँ पीछे ठीक। और दूर से अंदर आते हैं उसके लिए दोस्तों अगले पैर को हल्का से उठा के ये खड़े हैं दोस्तों, ये इतनी दूर है, मैं यहाँ से किक नहीं मार सकता, मेरे पैर से दूर है, मेरा पैर अगर इतनी दूर है और ये पैर मेरे यहाँ है, यहीं से दोस्तों ये इस तरीके से दोस्तों आप बहुत तेजी से अंदर जाके मार सकते हैं। उसके बाद यहाँ खड़े हैं वन, पहले स्टेप को दोस्तों उठाना है पिछले वाले पैर को और अगले वाले पैर से फोर्सली पीछे आना है। फिर से देखिए दोस्तों ये खड़े हैं और हल्का से उठाए ये इस तरीके से। अब मैं आपको दोस्तों इसे बताता हूँ इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। यहाँ खड़े हैं वन, किक मारा, अब देखिए दोस्तों इसे करते कैसे हैं, ये स्टेप रखे वन टू थ्री, हल्का सा पिछले पैर को उठाना है और स्किट करना है पीछे तरफ, ये रखे हैं दोस्तों इस तरीके से, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरीके से। अब दोस्तों इधर से आपको आगे इधर जाना है तो ये वन टू, हल्का सा पैर उठेगा और अंदर, ये देखिए दोस्तों ये वन टू थ्री इस तरीके से, हल्का सा पैर उठाना है इससे, फोर्स फाइट चल रही है, लड़ाई हो रही है, अंदर घुस के आप मारना जल्दी से। ये खड़े हैं इस तरीके से, हल्का सा पैर उठाना है यहीं पे वन, इससे फोर्स करते समय ही ये उठ जाएगा, दोनों प्रक्रिया एक साथ होगी, ये वन और ये टू इस तरीके से। एक बार दोस्तों इस समय आपको यूज फिर से बताता हूँ, सपोज दैट दोस्तों मेरा पैर यहाँ से अंदर की तरफ नहीं जा सकता, पैर मेरा वहीं है दोस्तों, अब आप देखिए मैं कैसे इस पे मारता हूँ, ये खड़े हैं इस तरीके से। अब दोस्तों अंदर से बाहर जाए दिखाता हूँ आपको, इतनी पास खड़े हैं दोस्तों, अगर किक मारेंगे तो किक अंदर जाएगी, इसे अपनी जगह सही बैठाने के लिए क्या करेंगे आप, ये खड़े हैं वन, फिर से देखिए दोस्तों वन टू इस तरीके से।
भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ प्यार से लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ये आप पे बहुत काम की चीज़ है। अगर आप इसे पर डे प्रैक्टिस करेंगे, बस इससे जो मैंने करके किक किया है उसी चीज़ की आपको पर डे प्रैक्टिस मिलाना है। उस चीज़ को धीरे धीरे आप उस चीज़ सीख जाएंगे कैसे करना है। अगर दोस्तों आप मार्शल आर्ट चालू करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे ही मार्शल आर्ट चालू कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए मैंने आपको ये नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आ सकते हैं आप। और दोस्तों प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इस पर अदर कोई चीज़ें ना भेजा कीजिए इसमें दोस्तों, बस मार्शल आर्ट से रिलेटेड ही बात हो किया कीजिए बस, और कुछ ना इस पर शेयर किया कीजिए। और दोस्तों इस पर कॉल टाइम है 10 से 4, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही आप लोग कॉल किया कीजिए। उसके बाद दोस्तों मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए सॉरी। तो मेरे पास 10 से 4 के बीच ही टाइम होता है। तो बस आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।